जो मार से कहीं पता लगा 22-23 को आ रहा, फिर एक दिन में आ जाता। काश भगवान मुझे कुछ खाने को देता। थैंक यू भगवान। ये देखो गाइस, क्रीम के पीछे ऐसा पागल हो रहा है, मतलब कोई लड़का ऐसे देखा है ये अपने स्किन केयर के पीछे? आप लोगों को तो पता ही होगा। तेरे को चाहिए क्रीम। ए, मैंने को बोल दिया, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। कहाँ यार तू, ये एक्चुअली। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मम्मी, एक सेकेंड ना। सो गाइस, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम शूटिंग माई व्लॉग, एंड यू मस्ट नो दैट दिस व्लॉग इज समवेयर वेरी स्पेशल। आजा ये देखो गाइस, इसको देखो कच्चे में। देख ले गाइस। ओके, सो दिस व्लॉग इज एज आई सेड कि बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बिकॉज हम बहुत ही स्पेशल जगह जा रहे हैं, आप लोगों को बताएंगे। चुप हो जा। तो अभी हम लोगों जल्दी से तैयार होने, वैसे अभी हम नहीं निकलेंगे, हम लोग 11:30 बजे निकलेंगे रात के, और अभी 8:30 बज रहे हैं या फिर 9 बज रहे होंगे। हम लोगों ने डिनर कर लिया है यहाँ से, राहुल और मैं निकल रहे हैं और संतोष भी हमें लेने आ रहे हैं, हम लोग टोटल 9 लोग जा रहे हैं। मैं धीरे धीरे आपको मिलाती जाऊंगी, तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ बिकॉज फिर बैंड बजने वाली है। फिर हम टीना दी जीजू के घर ही रुकेंगे। हाँ, जीजू लोग भी जा रहे हैं, दी भी जा रही है, बिकॉज दीदी की शिफ्ट है, वो शिफ्ट खत्म होने के बाद ही निकलेंगे यहाँ से। बेसिकली 2 गाड़ियां जा रही है, संतोष भैया की और जीजू की। निकलते हैं, जीजू के घर जा रहे हैं फिलहाल, तो अभी 9:30 हो रहे हैं। बाहर रुचू नहीं आ रही है, मशीन के बगल में ना, मशीन के बगल। ये संतोष भैया की गाड़ी, ये भी रखना भी इसमें। हम सबके साथ आ गए बस। अच्छा, गाड़ी में कुछ नहीं आएगा और अब नहीं आएगा। जीजू को मसाज करने में मजा आ रहा है। उठे हैं, एक्टिंग कर रहे थे। इतने बड़े एक्टर जी, आप तो बॉलीवुड में जान जाते हैं। देखो इससे ना, देख तो ये कैसे रिएक्ट करता है। आ गई नींद, आ गई नींद। सभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ जीजू के, इनके इधर से सामान वामान रख चुके हैं, और बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, मेरी तबीयत भी सही नहीं है, मतलब काफी लोगों की तबीयत सही नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ ऊपर हाईवे पे रुके हुए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो फॉग कितनी ज्यादा है गाइस, और 1 बज रहे हैं अभी, और हमारी जो दूसरी गाड़ी है वो पता नहीं कहाँ, वो लोग अभी आए नहीं है। दोस्त लोग जो कि छूट गए थे, और हम 1 घंटे से इन लोगों का वेट कर रहे हैं, अब आए हैं। मैंने कहा ना चाय पी दी, वहाँ पे जाके कह रहे सो गया मैं, और चलो वापस, चलो अब वो चाय पिएगा। खुशबू आ रही है, आ गई, आ गई, चलो हो गया। तो खतौली में है हम रुके हुए थोड़ा वॉशरूम वगैरह करने के लिए, और यहाँ पे एक रैबिट हाथ हो रहा है अपने। तो आपको दिखा दूँ मैं यहाँ से बाहर, काफी प्यारा है जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क की है। सपने चुरा न ले जा।
रहे हैं टाइम 6 बज चुके हैं, इसके बाद हम जाएंगे। तो हमारा जाने का, मैं आपको बता देती हूँ, तो हमारा जाने का प्लान ओले का था, मतलब हमने बनाया था। उसके बाद हम सब लोग बीमार पड़ गए थे, बट हम सब लोग ऐसे में आए हैं, तबीयत सबकी डाउन है, मतलब मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, दी की भी थोड़ी खराब है, टीना दी का भी। तो दोस्तों अभी हमने श्रीनगर क्रॉस किया है और अभी हम जा रहे हैं गणप्रयाग की तरफ। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप देख रहे होंगे, टेढ़े मेढ़े पहाड़, ये हमारे डिलीवर भाई जी, इसका खोपड़ा पीड़ा होने बैठ गया है। तो दोस्तों हम रुद्रप्रयाग पहुंच चुके हैं और हमारे मैरी एंड मीक की एक मैरी है और दूसरी मीक है, मीका भी मैरी और मीक जो ढेर हो गए मैरी मीक का भाई ड्राइव कर रहा है और मैरी मीक की हालत डाउन हो चुकी है, एक का खोपड़ा पीड़ा हो रहा है और एक का कमर पीड़ा। गाइस उतरने के बाद आपको इनके बारे में बताएंगे कि इनकी हालत कैसी रही है। अभी हम देखें कितने एग्जॉटिक लोकेशन है, बाकी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जगह जगह पे, रेलवे स्टेशन आने की पूरी तैयारी है कर्णप्रयाग में और जो बाकी स्टेशन है रुद्रप्रयाग हरौल जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, बहुत स्पीड से काम चल रहा है जगह जगह पे। तो गाइस हम रुद्रप्रयाग मार्केट पहुंच चुके हैं और इस मार्केट में हमेशा इतनी भीड़ रहती है क्योंकि यहाँ पर गाड़ी लगती है ऊपर इधर उधर की, कोई हरिद्वार से गाड़ी आती है वो जाती है, कोई गुप्तवासी, कोई कर्णप्रयाग। तो दिस रिमेन्स रशी प्लेस ओनली। ये है रुद्रप्रयाग का मार्केट, यहाँ पर आपको सारे सामान मिल जाता है, जरूरत की नीड्स की जो भी चीज़ें, कपड़े, खाने पीने, गाड़ी, लत्ता, कपड़ा, मेडिसिन, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, आपको यहाँ पर सब कुछ मिलती है, टिंग से लेके टोंग, टिंग से लेके डोंग। मेरी वाइफ और मेरी साली दोनों दारू पी के सेट होके शोर किए, लत्ता पी लिया कि उठा नहीं जा रहा। इन लोगों को नहीं मिला, ये हमारा मुंह देख रहे हैं, मुंह देखो हमारा। अब बोल क्या हुआ था, क्या हुआ था देवसेना कर्णप्रयाग में क्या हुआ था पता? देर से ना बताओ कड़े प्यार में क्या हुआ था, पता बहन क्या हुआ था, पता बहन पता क्या हुआ था, बहन बताएगी। वो डायलॉग भूल गई भाई, अरे बाल कलर करके ना डायलॉग भूल गई है, अरे बता ना कड़े प्यार में क्या हुआ था, पागल है क्या? A few moments later, अरे बता ना बहन ने, अरे सुन तो, कंड का वो हुआ था, अरे वो हुआ था, पर हुआ क्या था वो? दो नदियों का संगम हुआ था, जहाँ दो नदियों का संगम तो हुआ था, आप अरे वहाँ पे ना कर्ण का वो हुआ था, कर्ण का अंतिम संस्कार हुआ था, वो भी हथेली में, किसके? श्री कृष्ण के हथेली पे, बस हो गया। श्री कृष्ण की हथेली पे? हाँ, हथेली तो, तो, तो उनको ऐसा था ना कि तो, अंतिम संस्कार वैसी जगह पे होगा जहाँ पे संगम होगा। अच्छा, फिर प्रयाग कैसे हो गया, प्रयाग कैसे हो गया? वो जब दोनों के यहाँ का संगम होता है वहीं पे प्रयाग ही बोलते हैं। अच्छा नाम बताइए तीन का, अरे चुप, एक एक करके बोलो, एक एक करके, ऑडियंस ऑडियंस कंफ्यूज हो रहे हैं। विष्णुप्रयाग है, लेकिन विष्णुप्रयाग भी यही है और ये नंद प्रयाग भी यही है और करण प्रयाग भी, और दो और एक सब जगह और प्रयाग है लेकिन उसको नदी होगा। हाँ तभी तो प्रयाग है ना, पंचबदरी पंचकेदार, एक और नया कलाकार आ गए। हाँ जी पंचबदरी पंचकेदार सुना नहीं गाना? हाँ वही है। So guys, like and subscribe my channel. अभी बनाया नहीं, उससे पहले करना क्या है, कहाँ चलना है, यू तो कर दे यानी।
पे आए हैं अरविंद के ननिहाल में, और यहाँ पे है हमारी गाड़ी, वहाँ पे है संतोष की गाड़ी, और ये इतना अच्छा व्यू है, यहाँ पे झरना मिल गया इन लोगों को। तो यहाँ पे राघव भैया आप क्या कर रहे हो? कढ़ाई में पानी पी रहे हैं। सी गाइस, सी ये जगह देखो गाइस कितनी मस्त है। और यहाँ पे हम मैगी बनाने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग आगे जाके बनाएंगे मैगी, जिसके लिए हमारे पास कढ़ाई है एंड मसाले हैं, मैगी है। कान कैसे सुन लो दोस्तों, हम रुके हैं कनारा के पास, अभी यहाँ पे हम लोग गाड़ी धो रहे हैं, कड़प्याक होते हुए आए। ये देखो शेमड़ी, ये देखो दूसरी शेमड़ी, एंड दिस इज केकड़ा, केकड़ा मानो शकल दिखाओ, बड़े बड़े शकल दिखाओ, शाबाश। अभी देखो क्या अपना तो ये है संतरे का पेड़, और यहाँ पे बहुत सारे संतरे उगे हैं, और हम एक संतरा काट के दिखाएंगे आप लोगों को। ये वाला पका हुआ है, देख लिया मैंने चीजों का खुद खाना दे काट दे, खा लिया। पहले से डालते हैं नमक, सफेद नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च को डाल रहे हैं भाई, लाल मिर्च की। अच्छा वैसे बना रहा है क्या हरी मिर्च? ये हो जाएगा थोड़ा और करूंगा, निकाल के खुद ही खा दिया। नहीं पहले ये यूं किया, देख बस हो रहा है, पर ये हरा क्यों नहीं है? हरा नमक नहीं है ना ये, इसमें थोड़ा पत्ते डाल दूंगा। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ये सब चट कर गए। काश मेरे पास एक माल्टे का पेड़ होता, माल्टी का पेड़। यार कुछ खाने का मन कर रहा है, भूख लग रही है। ओ माल्टा, काजू माल्टा। यार भूख लग रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है। ये विलन वाली खुजली क्यों कर रहा था? अरे संतरे, वाओ। अरे यार काश भगवान मुझे कुछ खाने को देता। थैंक यू भगवान। गाइस देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से रोड थोड़ी सी दूर है, वहां से एक बैग लेके आना। हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। अच्छी तैयारी है ना, मिले ये ना, मुझे भैया मिले, भैया मिले, अरविंद भैया काटेंगे ना। वोडका वाला हाथ ऊपर करो, बिना तू वोडका बोल, राहुल अपना जूस निकाल रहा है। तो जीजू भी नहीं नहा रहे हम। यही मुझे पता करना था। हाँ मैं तो नहीं नहा रही हूँ, राघव भैया भी नहीं नहाएंगे। चलो राघव, और तू नहाएगा? इसका तो खैर तबीयत खराब है, नहा चुका है। तू तो नहीं हो फिर, फिर तो नहीं है तू बीमार। तो इतनी ठंड में कौन नहाएगा, हम तो नहीं नहा रहे।